प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी 2 दिवसीय उदयपुर यात्रा पर है। इस दौरान शुक्रवार सुबह दिवंगत छात्र देवराज मोची के परिवार से मुलाकात की। खिरादीवाड़ा स्थित देवराज के घर पहुंचकर उप मुख्यमंत्री ने दिवंगत की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिवार को सांत्वना दी। रिया कुमारी ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मौके पर ही राज्य सरकार की ओर से 8 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राशि सौंपी और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल को निर्देश दिए कि परिवार को हर संभव राहत प्रदान की जाए। वहीं डिप्टी सीएम ने कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी को मिली जमानत पर भी जमकर बोला। केस की मॉनिटरिंग क्लोजली की जाएगी और अनबायस्ड वे में की जाएगी और जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो भी पुख्ता हो, उसमें कोई कमी नहीं रहे। दुर्भाग्यपूर्वक कांग्रेस के समय कन्हैयालाल जी वाला हुआ था, उस समय इन्वेस्टिगेशन कितनी अच्छी तरह से हुई नहीं हुई ये भी एक पहलू है जिसको देखना जरूरी है। बाकी जो निर्णय है कोर्ट का वो तो बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण है और हाँ वो तो हम लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ आगे जो भी कार्रवाई करनी है उस पर भी बिल्कुल की जाएगी और इनके लिए भी पूरी तरह से जो पुख्ता इन्वेस्टिगेशन है उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे और पक्ष इनका जो रखना है वो भी मजबूती से कोर्ट में रखने का हम लोग प्रयास करें।